हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी अटियापुर में। आज हम बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से एक अच्छी खासी अपडेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ दिखा देना चाहता हूँ। ये देख पा रहे होंगे जैसा कि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है टेक स्टडी अटियापुर के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस पर जैसे ही आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो बहुत सारी यहाँ पर अपडेट आई हुई हैं। देख पा रहे होंगे रेलवे अप्रेंटिस ITI पास करने की जो कट ऑफ थी उसकी जारी की, उस पर मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोग उसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा। एडमिन एंड एलाइड का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है, इसके साथ साथ आप उसको देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैंने DRDO टेक्नीशियन ने कोपा का जो है रिव्यू दिया है स्किल टेस्ट का, आप उस पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। देन यहाँ पे BSF की वैकेंसी, RORM की आई है, बार की वैकेंसी आई हुई है, ITI अप्रेंटिस आई हुई थी उसका रिजल्ट आया हुआ है, NHPC का। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट आई हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें एलिजिबल हो उसमें फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन भी हमसे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसरो की एक वैकेंसी आई हुई है उस पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उसका PDF डाउनलोड कर रखा है, उसको मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है PDF को। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से जारी किया गया, इसरो की तरफ से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सतीश धवन केंद्र से जारी किया गया है। कब जारी किया गया है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कल के डेट में जारी किया है इसरो HDSC की तरफ से, मतलब इसरो HD का एडवर्टाइजमेंट है। 26 अप्रैल को जारी किया गया कल के डेट में, उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देख पा रहे होंगे इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिप्लोमा ITI BSc के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस पोस्ट पे एलिजिबल हो। फोकसली ITI वाले अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आपका ट्रेड यहाँ पे है, तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डिप्लोमा की, देख पा रहे Level 7 की जॉब है, 44,000 से 1,42,000 आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहली वैकेंसी है सिनेमेटिक फोटोग्राफी की, दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है, दो वैकेंसी है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, तकनीकी सहायता की बात करें, ये भी डिप्लोमा के, इसमें BSc और डिप्लोमा कहीं कहीं पे BSc कहीं कहीं पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारा मेन फोकस ITI के कैंडिडेट पर रहेगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। टोटल 24 पेज का नोटिफिकेशन है। कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस की तरफ से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे BSc के कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फिजिक्स के जो जिन्होंने BSc कर रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ITI की बात होने वाली है, ITI के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये देख लीजिएगा डिप्लोमा कैंडिडेट आपकी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, PWD, वो सब आप देख लीजिएगा। हम ITI की वैकेंसी पर चलते हैं। ये देख पा रहे होंगे Level 3 की जॉब है टेक्नीशियन की, यहाँ से ITI की वैकेंसी शुरू हो जाती है, पोस्ट कोड 11। ये पोस्ट कोड 11 से ही आपकी जो है ITI वालों की यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। पहला है रसायन का, केमिकल का 10 वैकेंसी है, 5 NRESERVE, 3 OBC, 2 EWS की है। इसमें आपके पास 10th+ ITI होनी चाहिए। ITI किस किस ट्रेड में होनी चाहिए? रसायन में, परिचालक प्रसारण रसायन में, यंत्र मैकेनिकल रसायन में, या अनुरक्षण मैकेनिकल रसायन में, या प्रयोगशाला रसायन में, इनमें से किसी ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, तब आप जाके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक सीट यहाँ पर PWD के लिए रिजर्व कर दी गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, यहाँ पे भी रसायन PRC की बात की गई, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें जो है आपके पास 10th+ ITI होना चाहिए, वो भी सेम ट्रेड में जैसा कि ऊपर पोस्ट कोड 11 में था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसमें 6 वैकेंसी है, 3 UNRESERVE की, 2 OBC की, 1 EWS की। इसमें भी आपके पास 10th+ ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। देन इलेक्ट्रीशियन PRC रसायन के लिए इसमें 2 वैकेंसी है, 1 EWS, 1 जनरल के लिए। इसमें 10th+ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका होना चाहिए। देन हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं, पोस्ट कोड 15 फिटर में, इसमें आपका जो है 17 वैकेंसी है, 10th+ ITI फिटर ट्रेड में होना चाहिए, 8 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 6 OBC के लिए, 1 बैकलॉग वैकेंसी है, 3 EWS के लिए। दो पोस्ट इसमें PWD के लिए है। यहाँ पे फिटर PRC की बात करें, 2 वैकेंसी है, 1 UNRESERVE, 1 EWS, 10th+ ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड से। देन मशीनिस्ट की बात करें, 3 वैकेंसी है, 2 UNRESERVE की, 1 EWS की, 10th+ ITI मशीनिस्ट ट्रेड में आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी Level 3 की जॉब है, ये भी टेक्नीशियन की है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल की है। इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट जो है अनरिजर्व की, 5 OBC की, 1 बैकलॉग की, 2 EWS की हैं, 1 पोस्ट PWD के लिए रिजर्व, 10th+ ITI आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड में। फिर बात करते हैं डीजल मैकेनिक की, 3 वैकेंसी, 2 UNRESERVE की, 1 EWS की, 1 PWD के लिए रिजर्व, 10th+ ITI आपने डीजल मैकेनिक में कर रखा हो। फिर यंत्र मैकेनिक की बात करते हैं, 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व के लिए, 10th+ ITI आपने यंत्र मैकेनिक ट्रेड में कर रखा हो। देन प्लम्बर की बात करते हैं, पोस्ट कोड 21 है, 2 वैकेंसी है, 1 UNRESERVE, 1 OBC के, 10th+ ITI आपने कर रखा हो प्लम्बर ट्रेड में।
यहाँ नीचे की तरफ बात करते हैं, 22वां पोस्ट है पंप प्रचालक सह मैकेनिकल की, 7 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व, 2 3 ओबीसी, 1 बैकलॉग है, 1 ईएसटी की वैकेंसी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं 10th प्लस आपने आईटीआई कर रखा हो पंप प्रचालक सह मैकेनिकल ट्रेड में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भारी वाहन लाइसेंस की बात करते हैं, जो धारी डीजल मैकेनिक है, यहाँ पे आपने 3 वैकेंसी, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी की, 10th प्लस आईटीआई आपने कर रखा हो डीजल मैकेनिक ट्रेड में, एनसीबीटी, उसके साथ साथ आपके पास भारी बाइक हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आरएसी की, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, आरएसी की बात करते हैं, 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 10th प्लस आईटीआई आपने कर रखा हो, और उसके साथ साथ आपने वहाँ पर 10th प्लस आईटीआई कर रखा हो। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, सिविल की तरफ 25 वैकेंसी है, सॉरी 25 पोस्ट कोड है, 2 वैकेंसी सिविल में, 1 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 10th प्लस आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल में आपने कर रखा हो, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व की गई है यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं यांत्रिकी की, लास्ट वैकेंसी है आईटीआई की, यांत्रिकी मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की, आपने 10th प्लस आईटीआई कर रखा हो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 से 26 की जो अधिसूची है रिक्ति, 10 मतलब सीट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें रिजर्व की गई है, मतलब टोटल 74 पोस्ट हैं 11 से लेकर 26 तक, 94 में 74 पोस्ट सिर्फ आईटीआई के लिए हैं। देख पा रहे हैं कितनी बम्पर वैकेंसी है, जिसमें से 10 जो है आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर दी गई है, और कुछ ईडब्ल्यूएस के उसके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ रिजर्व की गई है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बताई गई है कि जो उसमें मैच खाता हो सिर्फ वही, कहीं पे बहरापन की बात की है, कहीं पे फिजिकल हैंडीकैप, या फिर कहीं पे जो है आई हैंडीकैप, जो जो बताया गया उसी के कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या है पीडब्ल्यूडी की, यहाँ पे लिखा गया कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल, एक हाथ, एक पैर, एक मस्तिष्क, या फिर कुछ स्ट्रोक, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे एज की बात करते हैं, आपकी आय सॉरी आपको जो है कितनी सैलरी मिलेगी और एज क्या होगी। तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट है पोस्ट कोड 2 से 6 तक, उनकी टेक्नीशियन साहब 63,000 प्लस सैलरी उनकी पर मंथ बनेगी, मूल उसमें जो है मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बेसिक जो है सब मिला करके 63,000 बनेगी, 18 से 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा आईटीआई है, आईटीआई में 11 से 26 पोस्ट तक होने वाली है, जिसमें आपकी 30,000 सैलरी बनेगी, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सब चीज़ मिला करके 18 से 35 साल आपकी एज होने वाली है। अब हम बात करते हैं, इसमें एससी एसटी को 3 साल 5 साल 3 साल की, ओबीसी को 3 साल 5 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी, जो सर्विस में है उनको भी एज में छूट देखने के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो है आवेदन शुल्क की, आवेदन शुल्क जो है आपका डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 250 रुपये, 750 रुपये लगेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस आईटीआई के लिए 11 से 26 पोस्ट के लिए, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 500 रुपये लिए जाएंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, जिसमें आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, 100 रुपये आपके काट लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अटेंडेंस देते हो तब, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ईडब्ल्यूएस सॉरी जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे 500 रुपये उनको भी पे करने हैं, लेकिन उनको पूरे 500 रुपये लौटा दिए जाएंगे जब वो एग्ज़ाम हॉल में अटेंडेंस देते हैं। सिर्फ जनरल ओबीसी के 100 रुपये काटे जाएंगे, 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, फीस रिफंड हो जाएगी, जबकि वोमन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के 500 के 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और फॉर्म की लास्ट डेट 17 मई शाम 5 बजे तक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंत पंजीकरण की तिथि, अंतिम तिथि। और उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करना है, यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। ये देख पा रहे होंगे आपको 6 महीने से पुराना आपका पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB का आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है उन सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरते समय सलाह दी जाती है कि दस्तावेज आप सही तरीके से अपलोड करें, ताकि कोई भी असुविधा ना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी जैसे फोटो वगैरह आपका धुंधला है तो उसको सही तरीके से अपलोड कीजिएगा, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है IEEE SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, उसको सभी चीज़ को सही तरीके से भरना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अपलोड करते समय कौशल परीक्षा के समय जाँच लें, मात्र लिखित परीक्षा और परीक्षा के उपस्थिति में होने पर चयन पात्र नहीं होगा। आप अगर रिटर्न एग्जाम में अटेंडेंस देते हैं इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर आपको जो है पहले वो कराया जाएगा रिटर्न टेस्ट, देन आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, यहाँ पे बात की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न टेस्ट कैसे कैसे कराया जाएगा। रिटर्न टेस्ट जो है यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट का दिया हुआ है, जबकि हमको यहाँ पर पे अपना जो है सॉरी यहाँ पे टेक्नीशियन भी सभी का जो है रिटर्न एग्जाम सेम होने वाला है। 1.5 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेंगे, आपको करने होंगे। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/3.33 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट करा जाएगा, जो कि 100 नंबर का होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, नंबर 100 के होंगे लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
देन यहाँ पर आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 80 में से 32 अंक लाने होंगे तब जाकर के आप स्किल टेस्ट में क्लियर करोगे। देन आप स्किल टेस्ट में आपको 50 अंक लाने होंगे तब आप जाकर आपके नाम से मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल। उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। और उसके बाद यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है EWS PWD महिला SC ST जो हैं उनको जो है 80 में से 24 अंक लाने होंगे। देन स्किल टेस्ट में 100 में से 40 अंक लाने होंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ बात बढ़ते हैं तो कौशल परीक्षा का पूरी तरह से अंतिम परिणाम के आधार पर ही होगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्राप्त मतलब कि आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है स्किल टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। और स्किल टेस्ट के लिए A1/5 के मतलब एक सीट पे 5 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें कहा गया कि अभ्यर्थी कौशल प्रदर्शन के दौरान मूल्यांकन परीक्षण बनाम रिक्तियों के आधार पर कौशल परीक्षा में कम से कम 10 अभ्यर्थियों के साथ श्रेणीवार रिक्तियों पे आमतौर पर 1:5 के अनुपात मतलब एक सीट पर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आपका आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है देन स्किल टेस्ट क्लियर करना है तब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब स्किल टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो रिटर्न टेस्ट नहीं उसमें बनेगा, और उसमें आपको जो कट ऑफ बनेगी वो रिटर्न टेस्ट के हिसाब से बनेगी। अगर आपका टाई हो जाता है तो टाई में क्या कहा गया है कि जो जिन जिनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उनको ये लेंगे और जिनका एज ज़्यादा होगा उसमें लिया जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग अपने एग्ज़ाम ध्यान से कीजिएगा, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा। और यहाँ पर आपके कुछ सेंटर दिए हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पास सेंटर लीजिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2-3 सेंटर हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लखनऊ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में सिर्फ, और उसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बनाए गए, ज़्यादा सेंटर नहीं बनाए गए। टोटल यहाँ पे हमको लग रहा है 22 सेंटर बनाए गए हैं। 22 सेंटर में जो आपके आसपास हो वही देख लीजिएगा आपके स्टेट में हो। आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है यहाँ पे उसकी बात की गई, ये देख पा रहे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है 26 तारीख से, मतलब कल से सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। 16 तारीख को शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये नोटिफिकेशन थी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी बताया गया 26 तारीख से आपके 10 बजे से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और पेमेंट की 17 तारीख को शाम 5 बजे तक आपको पेमेंट कर देना है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जनरल कंडीशंस दी हुई हैं। टोटल 24 पेज का नोटिफिकेशन है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और हाँ, इस PDF को भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोग को समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इस यहाँ से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्म की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हम उसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।